मातृत्व की खुशियाँ यहाँ भी मिल रही हैं। गोद भराई और अन्न प्राशन से भारतीय संस्कृति खिल रही है। इसका श्रेय जाता है केंद्र सरकार के पोषण अभियान को। ये है झारखंड का लातेहार जिला। प्रकृति ने यहाँ खुलकर सौंदर्य बिखेरा है। उसी प्रकार पोषण अभियान ने स्वस्थ बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सुपोषित किया है। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी, पोषण संबंधी उसे जानकारी दिया जाता है। उसके खान पान के लिए पोषण अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं का गोद भराई किया जाता है, उसे पोषण किट दिया जाता है, उसका नियमित जांच किया जाता है और बच्चे होने के 6 महीने के बाद उसका अन्नप्राशन किया जाता है। इस योजना से सुदूरवर्ती महिलाओं को काफी लाभ मिल रहा है। ये है 22 वर्षीय हाउसवाइफ अमीषा कुमारी। इनके पति बिहार राज्य में फिनांस कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करते हैं और उसी से इनका जीवन यापन होता है। आइए जानते हैं अमीषा को इस अभियान से कैसे लाभ मिला। मुझे पोषण अभियान के बारे में आंगनवाड़ी दीदी से पता चला। पोषण अभियान के तहत हमें पौष्टिक आहार के बारे में बताया गया और आंगनवाड़ी से हमें सही समय पर घर पे पौष्टिक आहार वितरण किया गया। जब मैं गर्भवती थी तो गोद भराई की रस्म की गई थी और नियमित रूप से जांच पड़ताल हुई थी। डिलीवरी के 6 महीने बाद मेरे बच्चे का अन्नप्राशन हुआ। पोषण अभियान योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। पोषण अभियान के तहत कुपोषण से जंग जीतने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पौष्टिक पदार्थ वाले पौधों को लगाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पोषण अभियान, पोषण की जागृति, सेहत से समृद्धि।